है। अगर द्विघात समीकरण होता तो ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी लेट करते। जब द्विघात समीकरण नहीं है तो क्या है आपका उसमें कॉन्स्टेंट की पावर आर, और कॉन्स्टेंट की पावर आर अपन कैसे लेट करते हैं, एक अपने मन से ए और जो गिवन है वो रहेगा एज इट इज। और क्या देखते हैं साथ में, ये जो सेवन मान है वो अल्फा में है या नहीं है। तो अल्फा के मान में तो टू और थ्री है, अल्फा में सेवन मान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ ए आर पी का जो मान होगा वो सिर्फ इतना ही होगा। और जब ए आर पी मिल गया तो उसके बाद में क्या है, ए आर माइनस वन पी, ये क्या बन जाएगा, ए सेवन की पावर आर माइनस वन। फिर नेक्स्ट ए आर माइनस टू पी, ये मिल जाएगा ए सेवन की पावर आर माइनस टू। और अब इन मानों को उठाकर फिर से इसके अंदर पुट कर देते हैं, इन मानों को दिए गए पुनरावृत्ति संबंध में रखने पर, इन मानों को दिए गए पुनरावृत्ति संबंध में रखने पर इन सभी मानों को बस इसके अंदर पुट करना है। तो ए आर माइनस फाइव ए आर माइनस वन, ए आर माइनस फाइव ए आर माइनस वन, तो ए आर की जगह क्या आ जाएगा, ये ए आर माइनस फाइव ए आर माइनस वन, यानी ए सेवन की पावर आर माइनस वन। फिर क्या है, प्लस का सिक्स ए आर माइनस टू, ये ए सेवन की पावर आर माइनस टू। और इक्वल टू के बाद में क्या है, सेवन की पावर आर, तो इक्वल टू के बाद एज इट इज रहेगा सेवन की पावर आर, इसका नाम डाल देते हैं एक नंबर। यानी इसको आपको हल करके बस ए का मान निकालना है, इसको हल करके देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले तो बोला सेवन की पावर आर माइनस टू को कॉमन ले लेते हैं, जो कैंसिल आउट वगैरह हो जाए। ले लेते हैं कॉमन, सेवन की पावर आर माइनस टू को पूरे में से कॉमन, तो यहां से क्या रहेगा, ए सेवन की पावर नीचे आ जाएगा आर माइनस टू, एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सेवन की पावर माइनस टू ऊपर जाकर बन जाएगा 14a माइनस सेवन की पावर आर माइनस टू, एक कैंसिल आउट, सेवन ऊपर माइनस वन ऊपर जाएगा सेवन, माइनस का 35a, फिर प्लस सेवन की पावर आर माइनस टू का कॉमन, यहाँ से क्या रहेगा, प्लस का 6a इक्वल्स टू सेवन की पावर आर माइनस टू जो कॉमन है वो नीचे आ जाएगा, तो एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वल टू बन जाएगा उसमें कितना 14, सेवन की पावर आर माइनस टू तो नीचे आ जाएगा ना कॉमन में, कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा सीधा, ऊपर जाके क्या बना देगा 14 बना देगा, यही मान तो बनाएगा। सबको प्लस माइनस करके बस ए का मान निकाल लेते हैं, कितना मिलेगा 14 और 6 यानी 20a, और 20a में से 35a यानी माइनस का 15a, तो माइनस का 15a इक्वल्स टू 14, यानी ए का मान क्या है, माइनस का 14 अपॉन में 15। एक बार चेक कर लो इस वाले मान को, देख लो, चेक कर लेने के बाद एक अमान का, जो एक अमान अपन निकाल रहे हैं वो एक अमान इस तरीके के टर्म्स जो है वो नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं प्लस माइनस जो है एक बार
वो आप लोग देख लेना एक के मान में। ए का जो मान है होगा इसमें वो 7r-1 इक्वल टू है 7 की पावर r, तो a इंटू 7 की पावर r माइनस टू, 7r-2 अच्छा 49 रहेगा इक्वल टू के बाद में। देखो यहाँ पे ध्यान से, 7 की पावर r-2 को कॉमन ले रहे हो तो 7 की पावर r तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 7² यानी 14 आएगा ना ये मान। तो इसको देखो मैं हटाई देता हूँ, इसको देखो फिर से लिख लेते हैं, देखना ध्यान से, 7 की पावर r-2 को कॉमन ले रहे हो तो नीचे आ जाएगा 7 की पावर r-2, 7 की पावर r तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 49a, तो यहाँ से मिलेगा 49a माइनस 7 की पावर r-1 कैंसिल आउट, 7 की पावर -1 ये 35 है यानी ये रहेगा वही 35a, फिर प्लस यहाँ से रहेगा 6a इक्वल्स टू 7 की पावर r तो कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे आज बचेगा 7 पर -2 पर जाएगा बन जाएगा 49, ये 49 यानी इस वाले पार्ट में देखो क्या क्या वैल्यू आएगी आपके पास में 35 और 49, 14 प्लस का और 14 और 6 20a इक्वल्स टू 49 यानी a की जो वैल्यू आएगी आपके पास में वो 49/20 ये मान है आपका इसमें ए के लिए 49/20, ठीक है। अब लिख देते हैं अपन विशिष्ट हल का मान, तो विशिष्ट हल का मान क्या हो जाएगा, विशिष्ट हल हो जाएगा आपका इसमें ए आर पी को वस्तु क्या था, ए इंटू 7 की पावर r और ए का मान क्या है आपका इसमें 49/20 a इंटू 7 की पावर r, इस तरीके से इसको अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब संपूर्ण हल और लिख लेते हैं, संपूर्ण हल ए आर इक्वल्स टू सी एफ प्लस ए आर पी, दोनों को बस आपको ऐड करना है और सी एफ का मान अपन निकाल रखे हैं, सी एफ का मान क्या था, सी वन 2 की पावर r प्लस सी टू 3 की पावर r फिर प्लस ए आर पी का मान ये वाला मान, तो ये मान क्या आ जाएगा 49/20 7 की पावर r, ये मान आपका इसमें है संपूर्ण हल वाले मान। देख लो ठीक है, तो इक्वलिटी के बाद में क्या था आपके पास में 7 की पावर r, तो अपन ये प्रोसेस लगा रहे थे। एक दो क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं, इसी टाइप से है, उस वाले पार्ट को आप लोग कर लेना, ar-7 ar-1 प्लस 10 ar-2 प्लस 10 ar-2 इक्वल्स टू 4 की पावर r, 4 की पावर r, सेम यही काम करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है, पहले मान निकालना है पूरक फलन का और इक्वल टू बाद में है 4 की पावर r
मान इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद में इसकी वैल्यू इस वाले पार्ट के लिए लिखना है आपको। टेन के लिए 5 और 2 मिलेगा इसका फैक्टर, जो इसके सी एफ वाले पार्ट में नहीं होगा। सी एफ के पार्ट में नहीं होगा ना, सी एफ का पार्ट तो एजिटी जी है। अच्छा सी एफ का मान भी देख लो थोड़ा सा, सी एफ का मान जब इसके लिए आप लोग सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस वाले पार्ट का फैक्टर करोगे तो ये बन जाएगा उसमें क्या, अल्फा आर माइनस 7 अल्फा आर माइनस 1 प्लस 10 अल्फा आर माइनस 2 इक्वल टू, बाद में आपको कुछ भी हो आपको तो हमेशा जीरो ही लेना है। जब जीरो लोगे तो यहाँ से फिर से वही पार्ट कॉमन लोगे, यहाँ से मिलेगा अल्फा स्क्वायर माइनस का 7 अल्फा प्लस का 10 इक्वल टू जीरो, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा माइनस का 5 अल्फा प्लस का 10 इक्वल टू जीरो। अल्फा कॉमन लोगे तो अल्फा माइनस 2 माइनस का 5 कॉमन लोगे तो अल्फा माइनस 2 इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ से जो मान आएगा वो एक आएगा अल्फा का मान तो 2 और अल्फा माइनस 5, यानी एक मान जो आएगा अल्फा का वो मान आएगा आपका इसमें 5। एक मान तो रहेगा अल्फा का 2 और एक मान रहेगा अल्फा का 5, 2 और 5। और दोनों मान कैसे हैं, अलग अलग है, तो इसके लिए सी एफ का फॉर्मूला C1 2 की पावर r प्लस C2 5 की पावर r, ये देखो निकाल ली सी एफ का मान। ये निकल गया सी एफ का मान। अब आपको निकालना है पी एस का मान, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा और मानने के लिए आपको पता है कि इक्वल टू के बाद में क्या आ रहा है, तो बोलो वो आ रहा है 4 की पावर r, यानी जब इसके लिए मानोगे आप लोग तो क्या मानोगे, ए आर पी इक्वल्स टू एक तो कांस्टेंट और क्या दिया हुआ है 4 की पावर r, तो ये एजिटिज रहेगा, बस इतना ही लेट करना है क्योंकि चार मान इसके में नहीं आ रहा है। तो आज जितने भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं इस लेक्चर इस वीडियो के अंदर, उनके अंदर किसी के अंदर भी रिपीट नहीं हो रहा है। अब रिपीटेड वाला क्वेश्चन और करेंगे, ये हो गया ये इसके मान, वही ए आर माइनस 1 p का मान, उसका मान इसको उसके अंदर पूरे के अंदर सॉल्व करोगे रखोगे और मान निकालोगे इसके लिए तो सॉल्यूशन देगा ये वाला मान। यहाँ से देख लो, ठीक है, बाकी अपन दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है रिपीटेड वाले वो क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं। थैंक यू।